An initiative of Bakhabar Kisan and Weather Wale, presented by Discover Pakistan. मौसम, आबोहवा, क्लाइमेट चेंज, बदलती आबोहवा, मौसमियाती तब्दीलियां, ये हैं वो अल्फाज, वो इस्तलाहात जिनसे आप सब बखूबी वाकिफ है। मौसम का, आबो हवा का हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा अमल दखल। दुनिया का सबसे ज्यादा मौजूए गुफ्तगू, आज मौसम अच्छा है, कल मौसम ऐसा था, ये हैं वो अल्फाज जो दुनिया के हर खित्ते में, हर जबान में, जबान कदीम से अब तक बोले जाते हैं। लेकिन कुछ सालों से इनमें कुछ इजाफा हुआ, जैसे आज शदीद गर्मी है, फला इलाके में शदीद सैलाब, फला इलाके में शदीद तूफान, यानी एक लफ्ज शदीद का इजाफा हुआ। या दुनिया की आबोहवा तब्दील हुई तो पाकिस्तान की आबोहवा भी बदल चुकी है। क्लाइमेट चेंज को समझने के लिए हम कोशिश करेंगे कि हर शोबे के माहिरीन से बात हो। मेरी तो आधी जिंदगी गुजर गई मौसमों की साइंस और क्लाइमेट चेंज को समझने में। आप भी यकीनन सोचते होंगे और जानना भी शायद चाहते होंगे कि मौसम इतने शदीद क्यों हो गए। यही तो है क्लाइमेट चेंज, यानी बदलती आबोहवा। गिलगित बल्तिस्तान जैसे पाकिस्तान के खूबसूरत मकामात भी जंगलात के कटाव और क्लाइमेट चेंज से बहुत ज्यादा मुतासर हुए। क्लाइमेट चेंज ने यहाँ की मकामी आबादी के लिए मसाइल में मजीद इजाफा किया। तो ये जो क्लाइमेट चेंज का असर पहाड़ी इलाकों में हुआ है, वो मेरे ख्याल में मैदानी इलाकों से ज्यादा हुआ। उसकी एक वजह ये है, जिस तरह मैंने कहा ये बहुत नाजुक है, अगर यहाँ पर बारिश ज्यादा होगी है तो ज्यादा तबाही है। और वैसे भी जो गिलगित बल्तिस्तान के जो पहाड़ी इलाका है, ये बहुत ही खुश्क इलाका है। जो लोग समझते हैं कि यह पहाड़ी इलाका है तो वो बहुत ग्रीन इलाका होगा, ये बहुत ही खुश्क इलाका है दुनिया का। ये वो इलाका है जहाँ बहुत ही कम बारिश होती है। लेकिन अगर ऐसी जगह में जहाँ पर बारिश कम होती है और वो बहुत बड़ी पहाड़ी की हो, वो अगर ग्रीन भी ना हो ज्यादा, और अगर बहुत ज्यादा बारिश को भी वहां ज्यादा तो आएगी। तो ये पिछले 10-15-20 सालों में जो तब्दीली आई है, उसमें एक ये कि जी इन पहाड़ी इलाकों में जो कुदरती आफात थे उनमें बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है, और जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट हुई लोगों ने, और ये डिस्प्लेसमेंट बड़े पैमाने पर हुई पिछले 20-30 सालों में। आबादी अगर आप देख लेंगे तो गिलगित बल्तिस्तान के बहुत सारे लोग आप मैदानी इलाकों की तरफ निकल पर आए। गिलगित बल्तिस्तान ऐसे ही है जैसे आपका बलूचिस्तान, तो जो पौधे आपको बलूचिस्तान में मिलते हैं जैसे सोनमर्ग की जगह, वो गिलगित बल्तिस्तान में मिलते हैं। तो गिलगित बल्तिस्तान बलूचिस्तान का खुश्क इलाका है, वहाँ जंगल जो पॉकेट्स में था वो कट, लेकिन बड़े पैमाने पर जंगल नहीं था। तो ये बेसिकली क्लाइमेट चेंज की वजह से ये डिजास्टर्स ज्यादा हुआ। पाकिस्तान के वसी साहली इलाके भी क्लाइमेट चेंज की वजह से मुतासर हुए।
साहली इलाकों में बसने वाले लोगों को सी लेवल राइज और समुद्री तूफानों जैसी आफात का सामना है। अनफॉर्चुनेटली क्लाइमेट चेंज ने इस इलाके को बहुत ज़्यादा मुतासर किया है। जो समंदर का लेवल जिस तरीके से बढ़ता है और समंदर की जो तूफानी लहरें हैं, एक्सट्रीम इवेंट्स हैं, तूफान हैं, ये जब कोस्टल एरिया को हिट करते हैं तो इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ चुकी है, इनकी शिद्दत भी बढ़ चुकी है। इनसे महफूज बनाने के लिए अल्लाह ताला ने बैरियर आइलैंड्स रखे हुए हैं जो कि मेन कोस्ट से थोड़ा सा फासले पर होते हैं। क्लाइमेट चेंज ने बदकिस्मती से हमारे 35% से ज़्यादा ऐसे जज़ायर जो हैं इनको इरोड कर दिया है। इनकी इरोजन की वजह से अब जो कुदरती निज़ाम जो इस तरह की समंदरी आफात से बचाने के लिए अल्लाह ने हमें दिया हुआ है, हम उसको दिन ब दिन लूज करते जा रहे हैं। गंदम, चावल और कपास जैसी फसलों के लिए पाकिस्तान दुनिया में जाना जाता है, लेकिन अफसोस क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारा ज़राअत का शोबा सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ। ना सिर्फ फसलों की पैदावार बल्कि अनाज की मकदार भी मुतासर हुई। जब क्लाइमेट चेंज की बात आती है तो जो पाकिस्तान में जो क्लाइमेट चेंज का जो असर होगा वो ज़्यादा एग्रीकल्चर पे होगा, वो इसलिए कि हम एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है और सबसे ज़्यादा जो इम्पेक्ट होगा वो स्टेपल क्रॉप्स पे होगा जो कि हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। गंदम पे बहुत ज़्यादा है इसका इम्पेक्ट होगा और गंदम के जो इम्पेक्ट्स हैं वो मुख्तलिफ तरीके से हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। गंदम है वो नवम्बर में कास्ट करते हैं और फिर आगे इसको अप्रैल मई में हार्वेस्ट करते हैं, तो जब दाना बन रहा होता है तो वो मार्च का महीना है और मार्च में वो ग्रेन जो है ना ग्रेन फार्मेशन हो रही होती है जो 15-20 दिन लगते हैं, लेकिन जब टेम्परेचर इतने ज़्यादा हो जाते हैं मार्च में कि उससे जो है ना वो जो ग्रेन फार्मेशन है वो जल्दी हो जाती है और उस वजह से जो ग्रेन है वो भी श्रेवल्ड हो जाता है, वो बारीक हो जाता है। जब ग्रेन श्रेवल्ड हो जाए यानी बारीक हो जाते हैं और जल्दी पक जाते हैं तो उससे ग्रेन की क्वालिटी पे तो असर पड़ता है लेकिन इसके साथ साथ वजन पे पड़ जाता है। अभी जो वेराइटीज़ हैं इसको चेंज करना होगा ताकि अर्ली मेच्योरिंग वेराइटीज़ आ जाएँ। ज़मींदार को चाहिए कि वो अपनी कल्चरल प्रैक्टिसेस में थोड़ा सा जो काश्त के जो तरीके हैं ना थोड़ा सा चेंज लाना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर जो गंदम है अगर उसको 15 नवंबर से आगे काश्त करते हैं तो अगर इसको तकरीबन हफ्ता दो हफ्ते पहले काश्त करें तो इस इनकी जो पैदावार जो कमी आ रही आनी थी क्लाइमेट चेंज की वजह से वो कम हो। क्लाइमेट चेंज के मसाइल से निपटने के लिए हमें क्लाइमेट चेंज एडाप्टेशन को फोकस करना होगा। जैसे किसान ने मुकामी मौसम और मुकामी आबोहवा के मुताबिक नई फसलों की किस्म, फसलों की काश के वक्त को बदलना होगा। आम छोटे किसान के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इस टाइम हमारी जो डिफरेंट कंपनीज हैं प्राइवेट सेक्टर में वो ऐसी ऐसी वैरायटीज ला रही हैं जो क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट कर रही हैं। शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी आ गई है, चावल पहले ज़्यादा टाइम लेता था कम टाइम में पकता है, गंदम पहले ज़्यादा टाइम लेती थी कम टाइम में पक जाती है। इसके अलावा हीट टॉलरेंट वैरायटीज आ जाती है, स्ट्रेस टॉलरेंट वैरायटीज आ जाती है, वाटर जो कम कंज्यूम करती है ऐसी वैरायटीज आ जाती है। सो ये जो रिसर्च इदारे हैं जो हमारे ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर का बहुत बड़ा काम है और सरकारी इदारे भी कुछ अच्छा काम कर रहे हैं जो इस तरह की वैरायटीज और चीज़ें हमें देना शुरू कर दी हैं और फार्मर लगा रहे हैं। तो वैरायटी सिलेक्शन और ये एडवाइस लेना कि किस इलाके के लिए कौन सी वैरायटी बेहतर है ये क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करने के लिए बहुत फायदेमंद है। क्लाइमेट चेंज की वजह से पाकिस्तान के चारों मौसम तब्दील हुए, सर्दियों का दौरानिया कम और गर्मी के मौसम का दौरानिया ज्यादा हुआ। एक खास हद तक की हमें डे लेंथ लाइट चाहिए होती है और एक खास इंटेंसिटी की चाहिए होती है। इन दो चीज़ों की वजह से फल का जो पकाओ है या फल पकना वो बेहतर हो जाता है। अब जब आपके पास डे लेंथ कम होती है
या आपके पास मौसम तब्दील होना शुरू हो जाता है, उसकी वजह से फसल के अंदर तब्दीली आना शुरू हो जाती है, आम का जो पकना है वो मुतासर हो गया। जब आम कुदरती रोशनी पे नहीं पकता उसे केमिकल से पकाना पड़ता है, केला कुदरती रोशनी पे नहीं पकता तो उसको आपको केमिकल से पकाना पड़ता है, जब ये केमिकल से पकता है तो उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। क्लाइमेट चेंज को समझने और समझाने के लिए और लोगों तक क्लाइमेट चेंज से मुतलका मसाइल खसूसन तेजी से बदलते मौसमों के हवाले से जदीद टेक्नोलॉजी खसूसन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इंतहाई नागुजीर हो चुका है। इस हवाले से क्लाइमेट चेंज से मुतलका इश्यूज से निपटने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वक्त का अहम तकादा है। आईटी टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है सर। आईटी टेक्नोलॉजी का ये रोल है कि ये इंफॉर्मेशन टाइमली और एक्यूरेटली इन ए यूजर फ्रेंडली वे कैसे पहुंच सके डिफरेंट लोगों के पास और तेजी से। फ्लड्स आए और महकमे मौसम याद ने प्रिडिक्ट भी किया था, हम उनसे उनकी भी फोरकास्ट देख रहे थे और हमने भी अंदाजा हो गया था। उस वक्त हमारी डिसमिनेशन थी लेकिन इतनी ज्यादा नहीं थी। और सर हमारी क्योंकि टेलकोस स्पेशल थैंक टू प्राइवेट सेक्टर में टेलकोस भी आते, टेलकोस के साथ हमारी पार्टनरशिप और वो हमें वो रीच देती है बिकॉज हम अभी लोगों की जेबों में रहते हैं थ्रू देयर फोन्स। विदाउट आईटी अखबार में देना या टीवी पे बताना, हर किसी के पास टीवी की एक्सेसिबिलिटी रेडियो की एक्सेसिबिलिटी वैसे नहीं होती, लेकिन उनके फोन तक थ्रू कन्वेंशनल चैनल्स एंड डिजिटल चैनल्स पहुंचना, प्रोवाइडिंग दिस इन्फॉर्मेशन इन अ टाइमली फैशन इज द की, एंड विदाउट आईटी इट इज नॉट पॉसिबल। बाखबर किसान इज लीडिंग एग्रीटेक ऑफ पाकिस्तान, जो एक एडवाइजरी एंड फुलफिलमेंट प्लेटफॉर्म है। एडवाइजरी में हम इंफॉर्मेशन एंड अलर्ट सेंड कर रहे होते हैं 8 million से 10 million जो हमारे फार्मर है ऑन आर प्लेटफॉर्म इन ऑर्डर टू सेफगार्ड देम फ्रॉम क्रॉप एंड वेदर डिजास्टर्स। फुलफिलमेंट का मतलब है सीड फर्टिलाइजर क्रॉप प्रोटेक्शन उसके फार्म एंड क्लाइमेट के मुताबिक प्रोवाइड करना। नाउ ये रिकमेंडेशन हम चेंज कर रहे होते हैं विद चेंजिंग क्लाइमेट। इसके लिए हमें इनपुट्स जो रेजिलिएंट होते हैं क्लाइमेट चेंज के लिए वो चाहिए होते हैं, जो हम डिफरेंट मल्टीनेशनल्स के साथ मिलके काम कर रहे हैं वो सीड रेजिलिएंट बनाना अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट चेंज दैट इज अपॉन अस। सो ये इंफॉर्मेशन हम पहुंचाते किस तरह है, थ्रू आर टेलीकॉम ऑपरेटर्स जो हमारे कम्युनिकेशन पार्टनर्स है जैसे कि जैस यूफोन एंड जोंग। बाखबर किसान की ये जद्दोजहद जो एडवाइजरी एंड फुलफिलमेंट से शुरू होती है जिसका एक ही एम है, सो हमारा विजन है इस प्रोफेशन को प्रॉफिटेबल बनाना। सो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं अबाउट क्लाइमेट चेंज, मूवीज में हम देखते आ रहे हैं। उस वक्त 20 साल पहले हमें ये फिक्शन लगता था, बट नाउ क्लाइमेट चेंज इज रियल एंड इट इज अपॉन अस। क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ी आफत है जिसके बहुत बड़े एडवर्स इफेक्ट्स हो सकते हैं, इम्पैक्ट हो सकते हैं। इसको टैकल करने के लिए हम सब सेक्टर्स को मिलके फाइट बैक करना होगा। बाखबर किसान की एक अपनी जद्दोजहद है इन ऑर्डर टू सेफगार्ड देयर फार्मर्स फ्रॉम क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट। इसी में हम बहुत ज्यादा शुक्रगुजार है GSMA जैसे ऑर्गेनाइजेशन की हु हैड फेथ एंड बिलीव इन आवर विजन। GSMA is very much active in Asia, including Pakistan. We are still scouting for more startups in Pakistan for who are working in the climate adaptation and resilience space. At the moment, we are actively engaged with Bakhabar Kisan and Weather Wallet. Bakhabar Kisan being the largest farming advisory service in the country at the moment, serving 10 million users. It's very fascinating to see how they have evolved over time with the support of GSMA, of course, and their own efforts, which are very important, especially in a country like Pakistan, which has been affected by climate change humongously. Similarly, Weather Wale is another very important work that they are carrying out, especially in the weather forecasting. In Pakistan, we didn't have any reliable weather source other than the government weather data that we had. So now, in order to augment the data of the government, we supported Weather Wale for creating more weather stations in the country. Which will be covering more than 185 weather zones.
So this will be a huge task in itself, which they are already carrying out. I guess they have already installed 150 weather stations in the country. This will augment the data for its reliability, as well as the forecast will improve, which is very much important for the farming communities and other industries. क्लाइमेट चेंज की वजह से दुनिया के कई ममालिक को इन दिनों सामना है शदीद बारिशों और शदीद सैलाब का, और कई ममालिक ऐसे हैं जो मुसलसल शिकार हैं कम बारिशों और शदीद खुश्क साली से। पाकिस्तान तो हर साल मुतासिर होता है इन दोनों कुदरती आफात, यानी कभी शदीद सैलाब से तो कभी शदीद खुश्क साली से। क्लाइमेट चेंज यानी आबो हवा की तब्दीली को मौसमों के हवाले से देखें तो पाकिस्तान में चारों मौसम बदल गए। सिर्फ 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में इजाफे की वजह से पाकिस्तान में गर्मी का मौसम गैर मामूली हद तक फैल गया। मौसमों की इस गैर मामूली तब्दीली ने हमारी ज़राअत, खसूसन पानी के वसाइल को बेहद मुतासिर किया, जबकि ज़मीनी व फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से इंसानी सेहत भी मुतासिर हुई। और जब टेम्परेचर में हालिया इजाफा इस सदी के वस्त में 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँचेगा तो पाकिस्तान समेत दुनिया को फूड सिक्योरिटी यानी गिजाई की लत का सामना होगा। यही वक्त है सोचने का, क्लाइमेट चेंज को समझने का और तेज़ी से बदलती आबो हवा के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढालने का। फिलहाल तो हमें सामना है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेट चेंज का, और आने वाले वक्तों में सामना होगा ग्लोबल कूलिंग की वजह से क्लाइमेट चेंज का, यानी मुस्तकबिल में आने वाली मिनी आइस एज का। Initiative of Bakhabar Kisan and Weather Wale, presented by Discover Pakistan.